हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। हाल ही में दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें शिक्षा, पर्यावरण, बेसिक कूटनीति सहित 6 विषयों पर प्रस्ताव पारित हुआ, जिसको लेकर एबीवीपी के पदाधिकारी ने पत्रकार वार्ता कर कई तरह की जानकारियां दी हैं। पारित प्रस्तावों की जानकारी और विभिन्न मुद्दों को लेकर एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी एवं प्रांत मंत्री राधिका सिंह सिकरवार ने बताया कि दिल्ली में हुए विद्यार्थी परिषद के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन में 4 प्रमुख प्रस्तावों के साथ ही कार्य परिषद की बैठक में 2 अन्य प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नीति, कल्याणकारी भारतीय कूटनीति, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, देश के युवा और विवेकशील विकास, पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यकता के बिंदुवार प्रस्ताव पारित हुए। राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित प्रस्तावों को लेकर विद्यार्थी परिषद द्वारा आगामी समय में एक अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जानकारियां दी जाएंगी और विद्यार्थी परिषद के मूल विचार, पहचान और कार्य प्रणाली को लेकर बताया जाएगा। इसके साथ ही एबीवीपी के लोगों ने 22 जनवरी को श्रीराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र भी किया और कहा कि सभी विद्यार्थी अपने अपने घरों पर दीप जलाकर इस दिन को दीपावली की तरह मनाएं। वहीं नारी वंदन अधिनियम का भी विद्यार्थी परिषद के लोगों ने स्वागत किया। नमस्ते सभी को। आज जो हमारी पत्रकार वार्ता रखी गई है, इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुआ है 7, 8, 9, 10 दिसंबर को, उस अधिवेशन में जो हमने प्रस्ताव पारित किए हैं, जो विद्यार्थियों से आह्वान किया गया है, उस संबंध में हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ताकि मीडिया बंधुओं के बीच में भी, समाज के बीच में भी और विद्यार्थियों के बीच में भी इन प्रस्तावों का मूल उद्देश्य और मूल ध्येय पहुँच सके। किस तरह का प्रस्ताव अधिवेशन में टोटल 4 प्रस्ताव पारित हुए हैं, जिसमें 2 प्रस्ताव जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में पारित हुए हैं, और जो राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुए हैं उसमें 4 प्रस्ताव जो है, जिसमें एक शिक्षा को लेकर है, वो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं जीवन परिसर हेतु उठाए जाए ठोस कदम। दूसरा हमारा है वैश्विक कल्याणकारी भारतीय कूटनीति, और तीसरा हमारा प्रस्ताव है स्वस्थ जीवन शैली अपनाए देश के युवा। चौथा हमारा जो प्रस्ताव है वो है विवेकशील विकास, पर्यावरण हेतु संतुलन हेतु आवश्यक। ऐसा हमारे 4 प्रस्ताव राष्ट्रीय अधिवेशन में पारित हुए हैं, और इन 4 प्रस्ताव को लेकर आने वाले वर्ष जो अकेडमिक वर्ष है उसमें विद्यार्थी परिषद के अभियान भी तय हुए हैं कि उन अभियानों के माध्यम से इन प्रस्तावों के जो ध्येय, जो मूल है, जो हमारा विचार है, वो विद्यार्थियों तक पहुँचाने का ऐसा अभियान तय हुआ है। जैसे एक परिसर चलो अभियान हमारा आने वाले समय के लिए तय हुआ है, इसमें जो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 2 प्रकार की चीज़ें, कि एक स्टूडेंट का भी वहाँ इंटरेस्ट होना, दूसरा कैंपस में ऐसा गतिविधि, ऐसा माहौल या ऐसा एक्टिविज्म होना, ऐसा एकेडमिक माहौल होना जिससे स्टूडेंट्स को जाने का मन बने, इंटरेस्ट बने, वहाँ अट्रैक्शन हो, तो स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस जो गिरती जा रही है कैंपसों में वो बढ़ी जा सके, तो उसको लेकर परिसर चलो अभियान हमारा एक अभी किया गया है। और दूसरा अभियान हमारा छात्र सम्मेलन को लेकर आने वाले मंथ में है, पूरे देश भर के हर जिला केंद्र पे छात्र सम्मेलन करने वाले हैं। और जो बाकी अभियान है जैसे स्वस्थ जीवन शैली को लेकर और पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर एक जागरूकता के लिए जो विद्यार्थियों को आह्वान करने का एक अभियान है, वो हम अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे साल भर चलाने वाले हैं। अभी विद्यार्थी परिषद ने हाल ही में पिछले 6 महीने पहले राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद ने भी एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें विद्यार्थियों को कैंपस को लेकर हमने बात की थी कि आनंदमय एवं सार्थक जीवन का केंद्र बने, सार्थक छात्र जीवन का केंद्र बने परिसर, ये हमारा प्रस्ताव अंतर्गत, उस प्रस्ताव के अंतर्गत हमने बहुत सारे कार्यक्रम आयोजन किए हैं देश भर में, ऐसे हम अभी आने वाले वर्ष में। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।